पीएम मोदी के हमशगल पर लगा 15 लाख रुपए की ठगी का आरोप, सहारनपुर का है मामला। व्यक्ति ने अभिनंदन पाठक पर लगाया सरकारी नौकरी का झांसा देकर पैसे ठगी करने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशगल के नाम से देश भर में मशहूर सहारनपुर के रहने वाले अभिनंदन पाठक एक बार फिर से मुसीबतों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वन इंडिया हिंदी में छपी खबर के मुताबिक सहारनपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने उन पर 15 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया। आरोप लगाने वाले व्यक्ति का कहना है कि एक स्कूल में सरकारी टीचर की नौकरी लगवाने के नाम पर अभिनंदन पाठक ने उनसे लगभग 15 लाख रुपए की ठगी की है। आपको बता दें कि ठगी का आरोप लगाने वाले व्यक्ति का नाम नवीन कुमार है, जो कि दिल्ली रोड सहारनपुर का रहने वाला। उसका कहना है कि एक स्कूल में सरकारी टीचर की नौकरी लगवाने के नाम पर अभिनंदन पाठक ने उनसे टुकड़ों टुकड़ों में लगभग 15 लाख रुपए ले लिए। उसने ये भी कहा कि अभिनंदन पाठक ने उन्हें दिलासा दिलाया कि उनकी जान पहचान सीधा मोदी तक है। यही नहीं, उनका कहना है कि डुप्लीकेट मोदी ने मेरे अलावा और भी 5-6 लोगों के साथ ऐसा किया, जिसको लेकर उन्होंने थाने में तहरीर दी है। वहीं इस बारे में जब मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनको बदनाम करने के लिए पूरी साजिश की जा रही है। उनका कहना है कि प्रदेश में बाबा की सरकार है, इस समय मैं तो क्या किसी के लिए भी भ्रष्टाचार संभव नहीं है। उन्हें सरकार और प्रशासन पर पूरा भरोसा है और अगर मामला झूठा निकलता है तो आरोप लगाने वालों पर मानहानि का दावा भी करेंगे। साथ ही उन्होंने पुलिस से सही कार्रवाई करने की मांग की है। चलिए जानते हैं कौन है आखिर नरेंद्र मोदी के हमशक्ल। दरअसल सहारनपुर के अभिनंदन पाठक की शक्ल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती है, लेकिन ये उनके लिए बड़ी समस्या भी बन गई है। हाल ही में उनसे मिलने रोज सैकड़ों लोग उनके घर पहुंच जाते थे, घंटों घर पर बैठते थे, चाय पीते थे, साथ में फोटो खिंचवाते थे, कंधे पर उठा लेते थे। इसकी स्थान में कई बार उनके कपड़े भी फट जाते थे, आए दिन कपड़े सिलवाने पड़ते थे। इससे हर महीने हजारों रुपए का खर्चा होता था, जिस वजह से वो कर्जदार होने की कागार पर पहुंच गए थे। इससे परेशान होकर उन्होंने मोदी को पत्र भी लिख डाला। तो उन्होंने लिखा था कि वह गरीब व्यक्ति है, रोज न तो मोदी के समर्थकों को अपने खर्चे पर चाय पानी करा सकते हैं, न ही अपने लिए रोज कपड़े खरीद सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री उन्हें अपने समर्थकों से मुक्त कराए, कुछ खर्चा दे या नए कपड़े दिलवाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से जुड़ेंगे नई लेटेस्ट अपडेट के साथ।